आज यहाँ पे ताजिए के प्रोसेशन निकल रहे थे जिसमें करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी और काफ़ी पीसफुली सारे ऑर्गेनाइजर्स अपने ताजिए के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे। एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए, वो ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुंचे इसके लिए हमने माइल्ड लाठी चार्ज करके उनको यहां से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियां डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और सारी गैदरिंग जो यहाँ पर थी उनको डिस्पर्स कर दिया गया है और हमारी पुलिस बल मौजूद है और शांति बनाए हुए हैं। लगातार तलवारें लहराई जा रही थी, ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे प्राइवेट बसों पे, गाड़ियों पे, और दिल्ली पुलिस के जो है गाड़ी है उसको क्षतिग्रस्त किए गए। क्या इसमें इस मामले में किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? अभी तक नहीं, हम लोग शांति बनाए हुए में ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं, जो लीगल एक्शन होगा वो फॉलो किया जाएगा। क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी? इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आएगी। ठीक है, कितने लोग घायल हैं? अभी तक हमारे 8-10 पुलिसकर्मी मेडिकल के लिए भेजे गए हैं, जिनको कोई सीरियस चोट नहीं है, ब्रूजेस हैं, कुछ मसल टियर वगैरह हैं, वो मेडिकल के लिए। ठीक है सर।